आते हर पल टीवी की खास खबरों पर। पहले तो ये इवेंट कराने का मकसद ये था कि स्टूडेंट के अंदर हिडन टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए, और लोगों की सोच यही है कि शिवाजीनगर गोवंडी के बच्चे हमारे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते थे कि हम किसी भी मामले में कम नहीं है, बस थोड़ी ग्राउंड वगैरह की हमें प्रॉब्लम है। अगर ग्राउंड अच्छा प्रोवाइड करें तो हम मुंबई डिस्ट्रिक्ट पे ही नहीं, हम हिंदुस्तान लेवल पे भी शिवाजीनगर के लोग तहलका मचाने की हिम्मत रखते हैं। ये प्रोग्राम आप कब से कर रहे हैं? ये प्रोग्राम हम लोग पिछले 15 साल से कर रहे थे, पिछले 3 साल से थोड़े से इवेंट में डिस्टर्बेंसेज हो गए थे, हम उसको फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि मुझे यहाँ पे सब लोगों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हमने यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी देखी कि लड़कों से ज्यादा लेडीज ने हिस्सा लिया। ऐसा है कि आजकल नारी मुक्ति का जमाना है भाई, तो और लेडीज का ऐसा है कि लेडीज फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह अप्लीकेबल है। और फ्रेंकली बोले कि आज लेडीज हर मामले में जेंट्स से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। क्या है, उनको घर में इतना दबा के रखा जाता है, खासकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, कि उन्हें बाहर आने का मौका नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेरेंट्स की रेस, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। 11 पेरेंट भागे और 11 के 11 नकाब पहनते थे, वो पहन के यहाँ पे भाग रहे थे। शर्माया नहीं, बिल्कुल बड़ो बोलो बोलो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? इन्फिनिटी इंडिया लिखेंगे कल से। आपसे सवाल है कि आज जो प्रोग्राम हुआ है लेडीज जेंट छोटे बड़े सभी थे, इसमें बहुत से थोड़े से शर्माए भी थे, इसके वास्ते आप क्या कहेंगे आने वाले कल में कैसे प्रोग्राम को? जोर से पेरेंट्स के अंदर और हिम्मत आएगी और लेडीज के अंदर जिस तरीके से लेडीज जीती है उनके अंदर और ज्यादा हिम्मत आई, और वो जिस तरीके से हो सकता है आज जो है उन्होंने रेसिंग मिस कर लिया, आगे चलकर और भी कोई एक्टिविटी जी। आप बताइए, जैसे आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? फिफ्थ स्टैंडर्ड। जैसे फिफ्थ से स्टार्ट होता है तो मैट्रिक तक लोग यहाँ पर बच्चे आते हैं, बहुत से आपके शिवाजीनगर इलाके में लोग नर्वस होते हैं और हिस्सा नहीं लेते, इस पर आप इनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो लोग शर्मा कर हिस्सा नहीं लेते, लेकिन हम लोग ने जो अभी ये शुरुआत करी है तो उसको देख के उनको भी उत्साह आएगा, नेक्स्ट टाइम वो भी करने की कोशिश करेंगे। आपके हॉबीज क्या है, इनको कहाँ कौन से गेमों के अंदर में डालना चाहेंगे आप? अभी ऐसे तो बहुत सारे गेम्स है, जैसे या तो फिर हम टीम वाइज भी करवा सकते हैं, क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह, अगर हमको आगे चांस मिले मौका मिले तो हम उसको भी और अच्छे हिसाब से करवा सकते। आप बताइए मैडम, जैसे ये प्रोग्राम हुआ है, अब एजुकेशन प्लस खेलना कूदना, ये तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? अगर बच्चा एजुकेशन ऑन कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसके लिए स्पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जी, बिकॉज वो एक माइंड को हमारा थोड़ा सा रिलैक्स देता है, माइंड तो हमारा फ्रेश होता ही रहता है, साथ में हमारी फिजिकल बॉडी बहुत फिट होती है जी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि हर एक इंसान की होना चाहिए जी, और स्पेशली अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा बर्डन ना लेकर एजुकेशन, वो थोड़ा अगर इन्वॉल्व होता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है जी। आप बताइए कि जैसा आज प्रोग्राम हुआ है, बहुत से पेरेंट्स आए और बहुत से नहीं भी आए इसमें, तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? एक्चुअली सर, ये जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था अभी ये स्टार्टिंग था, तो ये पेरेंट्स बहुत से पेरेंट्स ने आके प्रोग्राम को देखा है, अब बाहर जब ये पेरेंट्स गए तो ये मैसेज लेके जाएंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से अरेंज किया गया था और बहुत अच्छे लेवल पे ये प्रोग्राम हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम होगा तो इससे ज्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पेरेंट्स आए जी। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है, बहुत से इनामात भी हासिल किए हैं, इसी तरह जो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं हुए थे ये प्रोग्राम देख के उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएंगे, नेक्स्ट टाइम वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट होंगे और विनर बनने की कोशिश करेंगे। अभी अजय, आप सरकार आज शिवसेना की बन गई, कांग्रेस की बन गई, आप मराठी में बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए क्या?
लॉट. प्रत्येक मुलगा पार्टिसिपेट झालेला आहे आणि त्यातल्या त्यात कलाम सरांनी म्हणजे सर्व मुलांना पार्टिसिपेट होण्यासाठी एवढं उत्सुक केलेलं आहे मुलांना. त्यांच्या बघून आम्हाला सुद्धा एक आनंद होतो की बाबा आता आपण सुद्धा सरांच्या पाठीमागे आपण सुद्धा तसंच मुलांना कोऑपरेट करणं गरजेचं आहे. म्हणजे सरांनी आणि मुलांनी पण आम्हाला दोन्ही बाजूने कोऑपरेट. आप कैसा देखते सब धर्म व कैसा देखते बघा साहेब सगळे धर्म हा एकच आहे पण मानवता हा एक पहिला धर्म आहे. ठीक मानवता हा पहिला धर्म आहे. बाकीचे मग प्रत्येकाचे आपापले धर्म वेगवेगळे तो भाग वेगळा पण माणूस के एक धर्म आहे सगळ्यात पहिला माणूस के. ठीक आहे. हा देखिए जैसे आप हम हार्पर टीव्ही चॅनल नेशनल चॅनल से हम हार्पर टीव्ही इसको हम पूरे दुनिया में बताएंगे. बहुत से मीडिया वाले चॅनल वाले ऐसी छोटी जगहों पे नहीं जाते लेकिन मैं एज ए चेयरमैन एज ए एडिटर हमारे दोस्त कलाम साहब हम इनके पास आए हैं और ऐसे प्रोग्राम को हम दूर तक बताएंगे और हम स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि जब चैनल पे न्यूज आएंगे आप देखिए बड़े से बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो मदद चाहिए वो पूरी मिलेगी और आप खुश रहिए और इस तरह से हिस्सा लिए. टीचरों ने भी बड़ी मेहनत की ये हमने हम आपको देखा हाल पर देखते रहिए हरपट टीवी जी. पूरी दुनिया में इस साइट पर हमारी न्यूज बताई जा रही है. फिर हम एक बार आपको बताना चाहते हैं क्राइम द मोस्ट वांटेड एंड हरपर टीवी न्यूज और तीसरा हमारा जो चैनल है इन्वेस्टिगेशन नेशनल न्यूज इसका साइट है www.crimeinvestigationharpertv.com. आप आपके मोबाइल लैपटॉप नेट पर 24 घंटे हमारी न्यूज देख सकते हैं. अगर आपके इलाके में कोई तकलीफ हो रही हो किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है या कोई भी समस्या हो तो हमें हमारे नंबर पर दिए जाने वाले नंबर पर हमें संपर्क करें या ईमेल पर आपकी समस्याओं को भेज सकते हैं.